हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ममताज के संग हंसते हैं तो घर बसते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई रेसिपी बताऊंगी, रसम वाली रेसिपी। होटल से ज्यादा अच्छा मजेदार रेसिपी, होममेड रेसिपी बताऊंगी। आइए, इतनी सारी सामग्री चाहिए रसम के लिए। ये देखिए, टमाटो हैं। टमाटो को बाहर से जैसे लाते वैसे नमक के पानी में, सादे पानी में अच्छी तरह से धो लें 3 बार। बाद में थोड़ा बारीक सा छोटा छोटा सा ऐसा काट लें, ज़्यादा बारीक नहीं, इतना इतना मोटा मोटा। ये देखिए दोस्तों, खोपरा, ये है नारियल कद्दूकसा, ये अदरक कद्दूकसा, और ये है टमरिन इमली, ये थोड़ा सा गुड़, ये हींग है, देखिए हींग इतनी चाहिए, आधा स्पून। मैंने 1 किलो टमाटो लेकर हूँ, इसके लिए इतनी क्वांटिटी चाहिए। यह है कुटी हुई लाल मिर्च, यह है छोटी सांभर की प्याज, यह है हरी धनिया, करिया पाक और तेल, ऑयल। मैंने सरसों का तेल लेकर हूँ, आप चाहे तो कौन सा भी तेल ले लें, वेजिटेबल ऑयल। ये देखिए दोस्तों, यह है सिर्फ कलर के लिए है, ये कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी सी मेथी है, मेथी ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि ज़ीरा डालते हैं तो कड़वापन आ जाता है, इसीलिए थोड़ी सी कम लें मेथी, इतनी सी पाव स्पून। ये देखिए लहसुन की कली, 1-15 लहसुन की कली ले लें 1 किलो टमाटो के लिए। और ये काली मिर्ची है, ये धनिया और ये ज़ीरा, ये तीन भी, थोड़ा मेथी, काली मिर्ची, ज़ीरा, धनिया, थोड़ा भून लें, भूनकर रोस्ट करके रख लें। ये देखिए राया और हल्दी, इतनी चीज़ें हैं। अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद में आप टमाटो को चूर कर डाल सकते हैं या ऐसे मैश करके मिक्सर जार में थोड़ा सा 1-1, 2-2 इंच करके, देखिए ऐसे कर ली, ऐसे इतना मोटा मोटा सा, जैसे हाथ से जो मैश करते हैं ऐसे कर ली। अभी मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ, गर्म पानी में ही डालना दोस्तों, क्योंकि रसम का टेस्ट ही रहने दें। सालन का टेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, ये रसम का टेस्ट है, तो इसीलिए इसमें ये डालें। अभी मैं इसमें इमली डालूंगी, जितनी मैं इमली बताई थी इतनी इमली डाल लीजिए, एक छोटा सा आधा नींबू इतनी डाल लीजिए, या आप चाहे तो और थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए, बस इतना सा। इसको अच्छी तरह से पकने दें। अभी थोड़ी सी हरी धनिया डालकर इसको मिक्सर जार में ये डाल लें, इतना सा करी पाक, छोटा सा डालें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अभी काली मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, जो रोस्ट करके हो वही डालें, और ये थोड़ी मेथी जो है वो डालें, थोड़ा सा इसको जार में थोड़ा सा 1 इंच दे दें। 1 इंच देने के बाद में लहसुन डालें, लहसुन डालकर थोड़ा सा 1-2 इंच दें, फिर ये 2 मिर्ची डाल दें। इस तरह से मिक्स करना चाहिए मसाला मिक्सर में, ठीक है। अभी गर्म हो गई है, मैं तेल डाल रही हूँ। दूसरे चूल्हे पर जो मैं रखी थी वो पक रहा है, टमाटो और इमली। अभी इसको गर्म होने दें, अभी ये डाल दें राय। गर्म हो गया, अभी राय डालें, करी लीव डालकर ये थोड़ी सी जो हमारी रसम प्याज है, सांभर प्याज, वो डालेंगे। एक थोड़ी सी जो थी वो इसी में डाल के मैं मिक्सर कर दी हूँ दोस्तों। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई होने दें, थोड़ा सा ज्यादा ही। ये देखिए मिर्ची, मिर्ची डाल दी। आज थोड़ा रसम ज्यादा बन रहा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इसीलिए जो ये पैंडेमिक चल रहा है, बाहर की चीज कुछ नहीं खाएं, घर का ही बनाकर रसम कुछ भी हो, इडली डोसा सब घर का बना हुआ खाएं दोस्तों। ये देखिए मैंने डाल दी सूखा पाउडर, अभी ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे मैंने इसे पीसे और डाल दिए, से चार थोड़ा सा इसको स्लो कर लें। अभी मिर्ची डाल दें, जितना चाहिए इतना डालें, अगरचे आपको तेज फीका नहीं लगा तो फिर आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो लाल मिर्ची है वो मैंने भुनकर ठंडा करके थोड़ा जार में फिरा के रखी हुई हूँ, ये कभी भी कौन से भी सालन में आप इस्तेमाल करने के लिए ऐसे तैयार रखें घर में। अभी मैं इसमें अदरक जो ये काट के रखी थी बारीक सा, वो अदरक, ये थोड़ा सा कच्चा लाल,
देखिए यह है ना, ये हरी धनिया जो है डंट वाली हरी धनिया थोड़ी डाल दें, क्योंकि डंट वाली हरी धनिया होती है ना उसमें थोड़ा स्मेल अच्छी होती है, खुशबू महक अच्छा रहता है। इसीलिए अभी इसके अंदर जो हम गरम करके रखे थे पका कर वो डाल देंगे। अभी ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गरम पानी में टमाटर और इमली का जो बनाकर हम डाले थे निचोड़ वो डाल दें, थोड़ा आहिस्ते से ध्यान से करें। ये ज्याद बन रहा है रसम आज, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और पड़ोस में आंटी हैं, वो आंटी को भी देना है क्योंकि मेरे हाथ का दिया जो रसम है ये मैं ऑर्डर भी लेती हूँ इसका, इसीलिए उनको बहुत पसंद है। ऐसे होगा। अभी हम इसके अंदर गुड़ नहीं डालेंगे, ये कुछ स्पून ऑयल डालकर, ये अलग सा बघार है क्योंकि इसकी स्मेल थोड़ी अच्छी आनी चाहिए, इसीलिए अभी मैं इसमें, ये गर्म हो रहा है अभी मैं इसमें, देखिए दोस्तों ये है हल्दी का आटा, हल्दी पाउडर डाली हुई हूँ क्योंकि ये स्मेल होटल का जो होता है टेस्ट वही आता है, इसलिए अभी हींग डाली हुई इसमें, हींग और ये खोपरा, ये देखिए जो ग्रेट करके रखी थी मैं वही डाली। अभी थोड़ा सा इसको ये फ्राई होने दें, थोड़ा सा फ्राई होने दें, चाहे तो इसी में गुड़ डालें नहीं तो सालन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टमाटो और इमली को पका कर रखी हुई हूँ तो इतना ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा पके। ये देखिए दोस्तों अभी तैयार हो गया हमारा रसम। थोड़ा ध्यान से करें दोस्तों, कभी भी किचन में जो किचन का हमारा टवल होता है वो थोड़ा थिकनेस मोटा रहना चाहिए। ये देखिए हमारे किचन का बादशाह नमक है सॉल्ट, मैंने थोड़ा सा नमक पहले डाल के हूँ, मैं बताई नहीं आपको जो पहले बनाई उसी में डाल दी थी, थोड़ा में ब्लैक सॉल्ट था, अभी ये डाली। अभी चाहिए तो आपको ब्लैक सॉल्ट डाल लें क्योंकि ब्लैक सॉल्ट इसके अंदर फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए अभी पूरा तैयार हो गया, मैं अभी बताऊंगी काढ़ कर। दोस्तों अभी तैयार है लजीज मज़ेदार रसम, होटल से ज़्यादा मज़ेदार है ये। ये देखिए मैं बजी भी बना ली इसके साथ और ये थोड़ी सी ककड़ी बना ली, इसके कॉम्बिनेशन में बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। ये नेचुरल मेडिसिन है ये, ये देखिए इतना अच्छा है, टेस्ट है, मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो कीजिए। कुछ सर्दी है या आँख में दर्द है, बुखार है, कुछ खाने को नहीं हो रहा है तो ये रसम थोड़ा सा पतला पानी जैसा बना लें, बनाकर इसमें तेल और मिर्ची कम डालें दोस्तों, ये बात याद रखें। जब भी आप पीना हो तो, खाने के साथ हो तो मैं जैसे बताई रेसिपी वैसे ही फॉलो कीजिए। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों ऐसे बनाकर पी लीजिए, जब भी सर्दी हो आँख में दर्द हो तभी ये बना लीजिए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, फॉलो कीजिए, स्टे फिट, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही ये रेसिपी फॉलो कीजिए तो इतना मज़ेदार, होटल से ज़्यादा मज़ेदार आपका लजीज रसम तैयार हो जाएगा। खाकर मेरे वीडियो को याद कीजिए।